अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कामरान। तकरीबन 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री के अंदर। इनिशियल मेरी एकेडमिक एजुकेशन कराची से है, स्कूलिंग फ्रॉम नासरा दैन डीजे। उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। फिर मैंने ड्यूरिंग दी जॉब अपना एमबीए मार्केटिंग कंप्लीट किया था। और अगर मैं करियर का स्टार्ट लूँ तो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसके बाद मैंने यूनिलीवर पाकिस्तान को 2000 में ज्वाइन किया। 2000 के अंदर यूनिलीवर के अंदर मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर काम किया है एज प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट। और उसके बाद फाइनली मैं सेल्स टीम को रिपोर्ट करता था और वहाँ का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी टीम का मैं एसेंशियल पार्ट रहा हूँ। फ्रॉम 2007 मैं मुलर के साथ एसोसिएटेड हूँ और आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और तकरीबन डिफरेंट कैपेसिटीज़ में होते हुए तकरीबन 15 साल के अरसे में मैं अब बुलर एंड फिप्स के तकरीबन सारे टेक्नोलॉजी स्टैक्स एंड कंपनीज़ को एज अ ग्रुप CIO लीड कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी सर्टिफिकेशंस की बात करूँ, नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी काम किया मैं। इनिशियल पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क प्लस में टॉप 5 नेटवर्क प्लस और CCNA सर्टिफाइड्स के अंदर मेरा शुमार होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं चंद एक लीडिंग मेंबर्स में से हूँ जहाँ पे ओरेकल और SQL सर्वर का कॉम्बिनेशन है। तो ओरेकल की MCDB है एंड माइक्रोसॉफ्ट की MCDB है और ओरेकल का OCP। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन जो है मुझे ना सिर्फ पढ़ने का मौका मिला, सर्टिफाई होने का मौका मिला, बल्कि रियल एग्जांपल के अंदर मैंने यूनिलीवर में माइक्रोसॉफ्ट पे और MNP के अंदर ओरेकल पे काफ़ी अरसे से काम किया हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने अपना माइंड मेकअप कभी भी IT के लिए नहीं किया था। मेरा शुरू से सेल्स एंड मार्केटिंग का शौक था। और मैं अली जब बात कर रहा हूँ, जब इंटर के बाद अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग में एडमिशन नहीं मिला, तो उस वक्त बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। तो मैंने अपना कैरियर फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जो है वो जारी कर दिया था। कंप्यूटर साइंस में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फील्ड कितनी बड़ी है। तो 4 साल की इंजीनियरिंग बहुत सीरियस नोट पर की। जब पास आउट हुआ तो उस वक्त एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये रहा, क्योंकि हमेशा से सेल्स एंड मार्केटिंग का शौक था और पहली जो ऑफ़र थी वो भी यूनिलीवर पाकिस्तान से थी। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने हमेशा से रखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ बिज़नेस को इम्बैट किया जाए। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटली आया। लेकिन आज आई कॉल माई सेल्फ एज एन IT मार्केटियर एज़ वेल, और मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर बिज़नेस नॉलेज के टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक और बज़वर्ड्स के साथ ही आप एलिब्रेट कर सकते हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज़ मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़ तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूँ, और ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई असाइनमेंट्स ऊपर से आएँ, आपको ख़ुद एक मोटिवेटेड होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड, मैं अपने आप को समझता हूँ कि नेवर गिव अप स्ट्रैटेजी। बचपन से ही इस चीज़ का बिलीव रहा हूँ कि आखिरी दम तक कोशिश करना मस्ट विन काइंड ऑफ अ थिंग। कोई भी प्रोजेक्ट को हम जब लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये नहीं हो सकता। और अगर मैं अपनी सक्सेस बताऊँ तो MNP के अंदर भी हमने जो कुछ भी किया वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हमेशा से मुश्किल समझा जाता था। तो एक मस्ट डू एटीट्यूड है मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में रखता हूँ। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम अ टीम प्लेयर। टीम को साथ लेके चलना, टीम को मोटिवेट रखना और साथ साथ डिसिप्लिन इंश्योर करना, तो दीज आर माई कोर कॉम्पिटेंसीज। देखें, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IT मैनेजर को सिर्फ IT के हवाले से ही नहीं जानना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, और आजकल के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि IT मैनेजर्स को बिज़नेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ अपनी टीम के अंदर भी, कि ये सिंगल प्लेयर गेम नहीं है, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो एक IT मैनेजर को हमेशा इस चीज़ को हम रखना चाहिए कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी टीम के लिए काम कर रहा है, और टीम को साथ लेके चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी अच्छे मैनेजर के लिए। किसी भी मैनेजर के अच्छे एट्रीब्यूट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहला उसका टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। IT के अंदर एक परसेप्शन ये क्रिएट होता है कि जो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने हाथ से काम कर लें, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप एक IT मैनेजमेंट की पोजीशन पर आ जाते हैं तो फिर आपके साथ आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो साथ लेके चलने वाला एक अप्रोच होती है।
आईटी मैनेजर को स्पेशलिस्ट बनने के लिए या इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज उसके पास हो। अगर वो किसी बिजनेस यूज़र के साथ बिजनेस की जबान में बात करता है तो ना सिर्फ यूज़र का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है बल्कि जो आईटी मैनेजर है वो उस अंडरस्टैंडिंग को उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए पहली चीज़ इफेक्टिव कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में और मेरे कैरियर में एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अदा किया है। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई फैमिली। स्पोर्ट्स का शौक मुझे दादा की तरफ से मिला। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चेस के और ब्रिज के कैप्टन थे। वही शौक मुझ में आया है स्पोर्ट्स का। हार्ड वर्किंग नेचर फादर की तरफ से आई है और मदर ने मुझे एक चीज़ दी जो था मस्ट विन एटीट्यूड। सेकंड, मैं अपने बेटर हाफ का जिक्र करना समझूंगा कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय वाइफ वाज अ वर्किंग लेडी, शी वाज एन ईआरपी एक्सपर्ट एज वेल। तो बहुत सारे जो मसले और मसाइल होते हैं ऑफिस के वो अक्सर हम घर पर डिस्कस कर रहे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मशवरा आ रहा होता है। तो एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, मुझे पहली एडवाइस जो होती है वो घर से ही मिल जाती है। लास्टली, मैं एक शख्स का नाम लेना ज़रूर समझूंगा जिसने मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है और वो है मेरे बॉस का, कामरान निशात का। बगैर उनकी इन्वॉल्वमेंट के, बगैर उनकी दीवी एम्पावरमेंट के, जो मूलन फिप्स आईटी ने जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, ये बहुत मुश्किल हो जाता कि अगर आपकी अगर कामरान साहब का साथ उस तरीके से हमारे पास नहीं होता। तो दीज आर द पीपल जिन्होंने मुझे आज भी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि सारे लोग आज भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पहली फर्स्ट गाइडेंस जो होती है वो अपने घर से और अपने बॉस से लेता हूँ। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। मैं अगर डेविल्स एडवोकेट के तौर पर बात करूँ तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। एक, हमने अपने आप को स्ट्रेचिंग टारगेट्स नहीं दिए गए। अगर आप ये समझते हैं जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5 बिलियन और 6 बिलियन है और हम उसको 1 बिलियन नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो ये रियलिस्टिक टारगेट तो नज़र आते हैं पर ये स्ट्रेचेबल नहीं है। सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे अचीव हो, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन का रोल है कि हमें अपने इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी। जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि लोगों के पास आइडियाज़ बहुत हैं। चीज़ क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरीके से मार्केट नहीं हो पा रही। आज भी हम ज़्यादातर ऑफ द शेल्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में डिप्लॉय करना, इंप्लीमेंट करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमारा जो टैलेंट पूल है वो ड्रेन होकर बाहर चला जाता है। अगर हम अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, हम अपना पाकिस्तान का अपना ईआरपी बनाएं, अपना सेल्स एंड सेकेंडरी सॉल्यूशंस बनाएं और उसको प्रमोट करें, तो जो टारगेट फर्स्ट लेवल पर हम सेट करें वो टारगेट को अचीव करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे करना एक ख्वाब है। अगर मैं ये जर्नी स्टार्ट करूं, तो जिस तरीके से ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इसी तरह आईटी की दुनिया के अंदर सीआईओ अवार्ड सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। ये जर्नी स्टार्ट हुई है 2019 में जब पाकिस्तान के टॉप 5 सीआईओस को इन्वाइट किया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और वहाँ पर ना सिर्फ हमने पाकिस्तान के फ्लैग को हाई किया बल्कि हमने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल वर्ल्ड के सामने रखी। नेक्स्ट ईयर 2020 के अंदर जब पैंडमिक चल रहा था, तो पाकिस्तान से दो लोग सेलेक्ट हुए जिन्होंने DX इंस्पायर अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है दुनिया में, से 20 लोगों को हर साल दिया जाता है उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। उसमें मैं अल्लाह का बड़ा एहसान मंद हूँ कि मेरा नाम उसमें आया और मैंने पाकिस्तान एंड मूलन फिप्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने ये अवार्ड जीता है। इसी फ्रेमवर्क का एक कैटलिस्ट अवार्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये देखा जाता है कि ऐसे कौन कितने कैटलिस्ट हैं जिन्होंने इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मूलन फिप्स की जो कंट्रीब्यूशन रही है इंडस्ट्री के अंदर और जिस तरीके से हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है, पाकिस्तान का मैं वाहिद CIO जिसके पास ये BTX कैटलिस्ट अवार्ड भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड बताऊं। बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौकीन रहा हूं। अपने स्कूल के अंदर इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया है। 100 मीटर एंड 200 मीटर का मैं चैम्पियन था इंटर स्कूल। बैडमिंटन के अंदर मैं अपने स्कूल कॉलेज का कैप्टन रहा हूँ। लास्ट टाइटल मेरा जो था वो सिंध नंबर 2 था।
स्पोर्ट्स के हवाले से, इसके अलावा एक अच्छे लेवल पे चेस खेली हुई है। नेशनल लेवल रिप्रेजेंट नहीं किया लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं चेस का प्लेयर रहा हूँ। अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं ये समझता हूँ कि मुलन फिप्स जो कि तकरीबन 110 साल पुरानी है, तो उसको फ्रॉम व्हील टू विंग्स का जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें एक अहम रोल अदा किया है। जब हम आए थे तो AS/400 चल रहा था और आज MNP का पूरा जो सेटअप है वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है। एक और जो रीसेंट अचीवमेंट रही है वो ये रही कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक वी हैव डिज़ाइन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर अवर कस्टमर्स। B2B का सबसे बड़ी एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर ये नॉमिनेट हुई, फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशन थी, तकरीबन कोई 50,000 प्लस केमिस्ट ने इसको अपने पास डाउनलोड किया। उस ज़माने में जिस ज़माने में लोग बाहर निकलते हुए डरते थे, MNP ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि कोई भी डिलीवरी स्पेशली फार्मा की कभी भी किसी हाल में नहीं रुकी, और इस एप्लीकेशन को ग्लोबल लेवल पर रिकग्निशन मिली। और जो ग्लोबल के दो बड़े अवार्ड हैं, BTX अवार्ड कहलाता है, इसमें टॉप 20 CIOs इन द वर्ल्ड होते हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया एंड आई वॉन दिस अवार्ड। और पिछले 3 सालों से कंजेक्टिव टॉप 100 CIOs के अंदर इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में मेरा शुमार हो रहा है। मेरी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस ये है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करें तो क्या हमें नौकरी मिल जाएगी। तो एक चीज़ क्लियर करें कि जो आपने सीखना है वो अपना टाइम ज़रूर लगाएं सीखने के ऊपर, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करें। यहाँ पे इस वक्त जो टैलेंट पूल है उसकी इतनी कमी मौजूद है कि हर रोज़ हर कंपनी के अंदर मल्टीपल एड्स आ रहे होते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने जहन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर रखें, लेकिन उसको सिर्फ ओनली ऑप्शन के तौर पे ना करें। जो भी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आप को एसोसिएट करें, वर्किंग एक्सपीरियंस लें, बिजनेस की नॉलेज लें, और उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो एक कंक्रीट एग्जाम्पल हो जाती है। अदरवाइज एक बहुत बड़ा रिस्क है कि लोग पास आउट होने के बाद अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और कुछ अरसे के बाद वो स्टार्टअप नहीं चल पाता। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पहली चीज़ कि पाकिस्तान इटसेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है अच्छे स्किल सेट की। सेकेंड, आप स्टार्टअप में अपनी प्रोडक्ट के तौर पर ज़रूर फोकस करें कि अपनी प्रोडक्ट हमें बनानी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक ट्रेंड चल गया है कि लोग कॉपी करना शुरू हो गए, मैं ये समझता हूँ कि जो ब्रेन हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको सही डायरेक्शन दे दें तो हम पाकिस्तान लेवल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत आराम से जो है ये इसको प्रमोट कर सकते हैं। आखिर में मैं बस सम अप करूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साफ़ी। तो इन शॉर्ट इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ये एटीट्यूड अगर आपके पास है, और मैं समझता हूँ कि ये एटीट्यूड मेरे अंदर है कि मस्ट विन एटीट्यूड होना चाहिए।